कोरोना के दौरान आप देख सकते हैं कि सभी लोग जहां सहायता करने में सबसे आगे आ रहे हैं, वहीं आप इस समय तस्वीरें देख सकते हैं हरियाणा के करनाल शहर में इस समय मौजूद हैं, जहां पर आप देख सकते हैं 4600 यानी कि 4600 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो है किस तरह से पूरे इंडिया में जो है डोनेट करने का जो प्लान है वो लिया गया है राउंड टेबल इंडिया संस्था की तरफ से। आप देख सकते हैं कि किस तरह से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 1957 से काम कर रही राउंड टेबल इंडिया अपने आप में बहुत ही बेहतरीन कार्य करती रही है। पहले भी अगर बात की जाए तो एजुकेशन लेवल पर अब तक 5000 क्लासेस जो है उनकी चल रही है, और किस तरह से ऐसी ऐसी जगह पर क्लासेस लेते हैं जहां पर एजुकेशन बिल्कुल भी नहीं पहुंचती। और आप देख सकते हैं इस समय करनाल में जहां पर तमाम करनाल से जो युवा नौजवान है जो बिजनेसमैन है वो जो है इस संस्था को चलाते हैं, बड़े बखूबी से चलाते हैं, और किस तरह से अपने आप में काफी काबिले तारीफ है किस तरह से 4600 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर किस तरह से जो है डोनेट किए जाएंगे, तो बहुत ही सराहनीय प्रयास है प्रोजेक्ट शाह के तहत। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से राउंड टेबल इंडिया हो, पंजाब किंग्स हो, और किस तरह से जो तमाम इनके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं अपनी तरफ से बहुत ही अच्छा सराहनीय प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं। और इस समय जो चेयरमैन है राउंड टेबल इंडिया के करनाल से वो हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानना चाहेंगे सर क्या कुछ कहना चाहेंगे। 4600 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर आपने मंगाए हैं, एक बहुत ही अच्छा प्रयास है, इस बारे में क्या कुछ जानकारी देना चाहेंगे? सर ये हमारा प्रोजेक्ट शाह के अंडर हम ये ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स जो भी नीडी हैं उनको हम विदाउट एनी फी, विदाउट एनी कॉस्ट, विदाउट एनी रेंट ये प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे कि ये जो पैनडमिक चल रहा है और इतना मुश्किल टाइम है उसमें हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो भी हेल्प कर सके, तो इस ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स के माध्यम से हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों के लिए हम जो भी मैक्सिमम अपनी तरफ से कर पाए वो कर रहे हैं। तो बिल्कुल अपने आप में बहुत ही काफी काबिले तारीफ है। इस समय सुमित गर्ग हमारे साथ मौजूद है लग्जरी राइड से, उनसे जानना चाहेंगे सर क्या है राउंड टेबल इंडिया, काफी लोग जानना चाहते हैं, हालांकि अपने आप में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काफी अच्छा काम कर रहे हैं और 4600 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर अपने आप में सबसे बड़ी खेप जो है आप लेकर आए हैं इंडिया के लोगों के लिए, एक सहायता पहुंचेगी कोरोना मरीजों को, तो इस पर क्या कुछ जानकारी देना चाहेंगे? हमारी ये संस्था जो राउंड टेबल है 1927 में स्टार्ट हुई थी यूरोप से, और इंडिया में 1957 में ये इसका जो फर्स्ट चैप्टर है वो आया था, और ये ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली यंग मैन ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें 40 से कम उम्र के जो मेंबर हैं वही बन सकते हैं, 40 से ऊपर होते ही आप रिटायर हो जाते हैं। और इस संस्था के माध्यम से हम जो है अंडर प्रिविलेज किड्स जो जिनको रिसोर्सेज नहीं मिलते किसी फॉर्म में, तो उनको एजुकेशन सबसे पहले जो सबसे हमारा फ्रीडम थ्रू एजुकेशन का जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है वो करा रहे हैं, और उसके अलावा बहुत सारी कम्युनिटी सर्विस एक्टिविटी चाहे वो मेडिकल से रिलेटेड हो जो हम पहले करते आए हैं। और आज जब इतना बुरा एक समय है, जो महामारी का जो समय हम लोग देख रहे थे जो कभी किसी ने सोचा नहीं था, और मेडिकल सिस्टम में इतनी प्रॉब्लम और इतनी खामियां जो निकल के आई, तो उस टाइम में जो हम लोगों की रिक्वायरमेंट जिस तरीके से बढ़ी, तो राउंड टेबल इंडिया आगे आया और हमारे एरिया चेयरमैन है टेबलर आयुष जैन, उन्होंने आगे आके एक स्टेप लिया जिसमें उन्होंने पंजाब किंग्स और ट्राई वैली इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और इंडियन कम्युनिटी सेंटर यूएसए से के सहयोग से 4600 कॉन्सनट्रेटर, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी इस टाइम पे बात है, कैलिफोर्निया यूएस से इम्पोर्ट करवाए इंडिया में, और ये हमारी 350 शाखाएं हैं हिंदुस्तान में, और ये अलग अलग शाखाओं में इनको बांट के थ्रू हमारे जो मेंबर्स हैं उनके थ्रू इनको नीडी पेशेंट्स तक पहुंचाया जा रहा है। एंड और हम मेक श्योर कर रहे हैं कि ये नीडी पेशेंट्स तक पहुंचे, इसको हम कोई डोनेट नहीं कर रहे, इसके कोई पैसे चार्ज नहीं कर रहे, इसके लिए कोई हमारा कोई डिफिकल्ट प्रोसेस नहीं है, जिसको नीडी पेशेंट को देंगे और वो जब ठीक हो जाते हैं रिकवर हो जाते हैं तो उसके बाद हम उसको लेके उसके फिल्टर सैनिटाइज वो सब करके और उसको अगले पेशेंट के लिए तैयार करके उसको हम इस तरीके से हम हेल्प कर रहे हैं। तो बिल्कुल कोरोना का अभी पता नहीं है कि कब तक चलेगा, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अभी थर्ड वेव आनी बाकी है, लेकिन जिस तरह से देश भर में बेड्स की कमी देखने को मिल रही थी, ऑक्सीजन की किल्लत देखने को मिल रही थी, उसको लेकर राउंड टेबल इंडिया का देश भर में एक बहुत ही सराहनीय प्रयास देखा जा सकता है। 4600 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर कई करोड़ों की कीमत से किस तरह से जो है भारत के तमाम लोगों को एक बहुत ही अच्छा सहयोग मिलेगा, करनाल के लोगों को अच्छा सहयोग मिलेगा, हरियाणा के लोगों को अच्छा सहयोग मिलेगा। तो कुछ और लोग हमारे साथ मौजूद हैं, सर क्या कहना चाहेंगे, कितनी की कीमत में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर आए हैं और कितनी अच्छा प्रयास है आपकी तरफ से, क्या कुछ बताना चाहेंगे इस बारे में? सर ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जैसे कि सुमित जी ने बताया, हमारे जो एरिया चेयरमैन है टेबलर आयुष जैन जी और डॉक्टर शुभा जैन जो कि ट्राई वैली इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को रिप्रेजेंट करते हैं, वहाँ पे हमारे बैठे हुए भारतीयों ने ये मुहिम उठाई और उन्होंने, हम उनकी शुक्रिया करना चाहेंगे कि उन्होंने हमारी ऑर्गेनाइजेशन राउंड टेबल इंडिया को चुना इस मुहिम को उसके नतीजे तक पहुँचाने के लिए। तो ऑल द 4600 सारे के सारे 40,000 जो 4600 कॉन्सेंट्रेटर्स हैं दे आर डोनेटेड बाय ट्राई वैली इंडियन मेडिकल एसोसिएशन अलॉन्ग विद पंजाब किंग्स।
हमारी करनाल के सारे सज्जनों से यही प्रार्थना है कि इस मैसेज को जितना शेयर कर सकें और जिसको ज़रूरत पड़े बेहिचक कभी भी हमारे हेल्पलाइन नंबर पर जो कि 7494880800 है, जिसको हमारे टेबलर मेंबर ही मिस्टर प्रणय शर्मा पर्सनली हैंडल कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर एक अपना आधार कार्ड, एक अपनी कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट और एक प्रिस्क्रिप्शन जहाँ पे डॉक्टर हैज़ टोल्ड यू कि आपको ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की आवश्यकता है, ये प्रोवाइड करें। और हमारी कोशिश ये रहेगी कि जल्द से जल्द आपको ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर हम प्रोवाइड करें ताकि आप उसको अपने होम यूज़ में कर सकें। एक चीज़ मैं और इसमें हाईलाइट करना चाहूँगा आपके माध्यम से कि अभी भारत में कुछ दिन पहले एक आंकड़ा आया था कि ओनली 3% ऑफ द पेशेंट्स आर एडमिटेड इन हॉस्पिटल, मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स आज भी होम केयर में हैं। और जो लोग हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो रहे हैं या हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं, दोनों स्टेजेस पर डॉक्टर्स आज की डेट में माइल्ड से मॉडरेट लेवल केसेस को कोरोना के ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर एडवाइस कर रहे हैं। तो हमारे सारे 20 लोगों की मेंबरशिप टीम है करनाल में, हम सब इसी में एक साथ जुट होकर इसी मुहिम में लगे हुए हैं कि ये कॉन्सेंट्रेटर हम जिसको भी ज़रूरत है, जहाँ पर भी आवश्यकता है, वहाँ पहुँचा सकें। तो बिल्कुल, बहुत ही अच्छा सराहनीय प्रयास जो है किया जा रहा है राउंड टेबल इंडिया संस्था की तरफ से। ऐसा नहीं है कि पहली बार, बल्कि पिछली बार भी देखा गया था कोविड के दौरान हो या अमूमन शिक्षा हेल्थ सेक्टर को लेकर, एजुकेशन सेक्टर को लेकर बहुत ही अच्छा प्रयास करते रहते हैं। हम आपको दोबारा से एक बार आपको ये नंबर आपको दिखाना चाहेंगे। इस समय आप नंबर देख सकते हैं 7494880800। ये नंबर जो है, इस नंबर पर जब आप अपनी तरफ से अपनी कोविड की रिपोर्ट और आधार कार्ड जो है इस पर सेंड करेंगे तो जरूरतमंद तक जो है किस तरह से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर ये अपने आप पहुंचेगा। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील कि तमाम लोग इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि करनाल, हरियाणा और इंडिया भर में यह खबर पहुंचनी चाहिए कि किस तरह से राउंड टेबल इंडिया का अपने आप में एक बहुत ही अच्छा सराहनीय प्रयास, जिस तरह से 4600 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो है इनकी तरफ से डोनेट किए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जिस किसी को जरूरत होगी वो अपना इसका इस्तेमाल कर कुछ दिन तक, 10 दिन 15 दिन तक इस्तेमाल कर, उसके बाद जो टीम मेंबर्स हैं वो उसको दोबारा से वहां से लेंगे, उसके फिल्टर चेंज करेंगे, उसको प्रॉपर तरीके से सैनिटाइज किया जाएगा और उसके बाद दोबारा से किसी नीडी पेशेंट को दिया जाएगा। तो बहुत ही अच्छा प्रयास किया जा रहा है। तो कुछ और लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे राउंड टेबल इंडिया का ये जो सराहनीय प्रयास है, इस बारे में क्या जानकारी? हम बहुत खुश हैं कि हम लोग कुछ काम आ सके अपने सोसाइटी के लिए। हम लोग आज की डेट में चंडीगढ़ ट्राई सिटी, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, दिल्ली NCR के अंदर ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, जहाँ पे हर एक सिटी की अपनी एक हेल्पलाइन नंबर है। हम लोग अभी कश्मीर और राजस्थान भी कुछ ही दिनों में हम ओपन करने वाले हैं, जहाँ पर भी ये सुविधा फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध होगी पेशेंट्स के लिए। हम बस हमारी रिक्वेस्ट सबसे यही है कि प्लीज़ आप उन्हीं पेशेंट्स के लिए लेकर जाइए जिनको सख्त ज़रूरत है। हमारे पास बहुत एम्पल कॉन्सेंट्रेटर्स हैं, अगर आपको कभी भी जरूरत पड़ेगी हम दे सकते हैं। प्लीज इनको घर पे स्टॉक मत करिएगा। तो बिल्कुल घर पर स्टॉक ना कीजिए, इस तरह की जो अपील है करनाल ब्रेकिंग न्यूज भी तमाम लोगों से करता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हम नंबर भी आपको नीचे दोबारा से मैटर में डाल देंगे, उस नंबर पर अगर आपको ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की जरूरत है, अगर आप वाकई नीडी है, कोरोना पेशेंट है, अगर आपको कोरोना से अगर आप ठीक भी हो चुके हैं, डॉक्टर ने तब भी अगर आपको जो है सब्सक्राइब किया है, आपको लिखा है कि किस तरह से अगर आपको इसकी नीड है, ऑक्सीजन की नीड है, तो निश्चित तौर पर आप इस नंबर पर अपनी रिपोर्ट्स और अपना आधार कार्ड सेंड कर सकते हैं। तो टीम किस तरह से उसको आपने आप जो है आपके पास जो पहुंचाएगी, तो एक बहुत ही अच्छा प्रयास है। तो कुछ और मेंबर्स राउंड टेबल इंडिया के हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या कुछ जानकारी देना चाहेंगे करनाल, हरियाणा के तमाम लोगों को? एक बहुत ही अच्छा प्रयास किया गया, 4600 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर देश भर में पहुंचे हैं और किस तरह से लोगों तक वितरित करेंगे, इस बारे में क्या जानकारी? ये जैसे कि अभी सबने बताया हमारी टीम ने कि कैसे कैसे इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, जो भी नीडी पेशेंट्स हैं वो लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पे और उनको इजीली उसी टाइम वो चीज़ प्रोवाइड की जाएगी, उनको ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और दूसरा मैं यही कहना चाहूँगा कि कोरोना बहुत बड़ी एक महामारी है, सबको सेफ रहना चाहिए, सब मास्क वियर करके रखें, प्रॉपर सैनिटाइजेशन का ध्यान रखें और अपने आप को सेफ रखें, घर में रहें, ज़्यादा बाहर ना निकलें। और जो भी हमारी एडमिनिस्ट्रेशंस हैं, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशंस हैं, उनको फॉलो करें उनके रूल्स को और सब खुशी मंगल अपने घर पर रहें। तो बिल्कुल एक बहुत ही अच्छी जानकारी, इस समय आप देख सकते हैं कि जो तमाम इस समय टीम से जुड़े लोग हैं वो एक बहुत ही अच्छा मैसेज देते हुए नजर आ रहे हैं। प्रतीक जी, क्या जानकारी देना चाहेंगे करनाल व हरियाणा के तमाम लोगों को? काफी अच्छा एक योगदान मिलेगा आपकी संस्था के माध्यम से जब आप सभी लोगों तक जिनको जरूरत है उनके पास ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पहुंचाएंगे, इस बारे में क्या जानकारी देंगे?
सर, मैं राउंड टेबल इंडिया से जुड़ा हूँ काफ़ी टाइम से, एंड ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि जिसको ऑक्सीजन अगर घर पे नहीं मिल पा रहा है या वो हॉस्पिटल नहीं पहुँच पा रहा है, उन पेशेंट्स के लिए स्पेशली आप हमारे को अपनी आधार कार्ड डिटेल्स दीजिए, अपना कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट दीजिए और हम कोशिश करेंगे कि आप तक ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर पहुँच जाए। बट ध्यान ये रखने की बात है कि कोई इसको हम इसको आगे बेचना नहीं चाहते या डोनेट नहीं करना चाहते, सिर्फ जो नीडी हैं सिर्फ उन तक पहुंच पाए, एंड वहां से जब वो खैर ठीक हो जाएं और हम लोग को वापस करें तो हम आगे अगले पेशेंट को इसको पहुंचाने की कोशिश करें। तो बिल्कुल बहुत ही कीमती चीज होती है ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर, अगर बात की जाए तो 70-80 हजार, 1 लाख, 1.25 लाख तक की कीमत के ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर होते हैं। ये डोनेट नहीं किए जाएंगे, ये आपको जब जरूरत होगी आपको पहुंचाए जाएंगे, प्रॉपर नए फिल्टर्स के साथ आपको यह दिया जाएगा, आप उसका जो है अपना उपयोग कर सकते हैं, जब तक आपको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन 10 से 15 दिन या 12 दिन बाद जब आपको इसकी जरूरत नहीं होगी तो आप उसी नंबर पर इन्फॉर्म करके जानकारी दे सकते हैं और संस्था से जो तमाम नौजवान हैं उनकी जो टीम से जुड़े लोग हैं वो इसको वहां से कलेक्ट करेंगे, इसके दोबारा से जो फिल्टर्स हैं नए फिल्टर्स लगाए जाएंगे, इसको प्रॉपर तरीके से सैनिटाइज करके आप तक पहुंचाया जाएगा। लेकिन हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना कि जितने भी लोग इस वीडियो को देखें इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा ताकि करनाल, हरियाणा में, देश भर में तमाम लोगों तक यह जानकारी पहुंचे कि राउंड टेबल इंडिया का एक बहुत ही अच्छा सराहनीय प्रयास 4600 ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर अब तक सबसे बड़ी संख्या में ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर दिए हैं और बहुत ही अच्छा प्रयास है। इन तमाम युवाओं को हम बहुत ज्यादा धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने एक बहुत ही अच्छा प्रयास किया है। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना कि जितने भी लोग इस वीडियो को देखें इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।